सकता हूँ। मेरे को पता है अगर इससे पहले जितना मैंने फुटेज डाला होगा ना उसमें मोटो व्लॉग में ऑडियो थोड़ा बेकार आ रहा होगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना प्लीज। कहाँ पे मिलेगा? तो बड़े बड़े शहरों के अंदर छोटी छोटी चीजें होती रहती है और बड़ी बाइकों के अंदर भी छोटी छोटी चीजें गिरती रहती है। दिखाओ क्या गिरा ये। तो जैसा मेरा डिस्कशन हुआ ना, आरिफ भाई ने मेरे को बताया, मैं होटल हाईवे किंग पिन का वेट कर रहा था, देन ही टोल्ड मी कि यार भैया ये प्रॉब्लम हो गई है, जाता अभी दिखाओ तो क्या शायद हुआ। मैं पहुंच ही नहीं पाता अभी, हम मिल नहीं रहे क्योंकि वो तो लक था जो कि सामने ट्रैफिक था और मैं जैसे ही खड़े होने लगा तो देखा कि ये फुटपैड ही नहीं है, यहाँ मैंने ब्रेक पे पाव रखा। मैं यार फुटपैड इतना सॉफ्ट कब से हो गया? मैं आपको बताऊँ क्या चीज़ हो रही है, मैं बताऊँ आपको क्या हो रहा है, आपको अपग्रेड की जरूरत है, आपको 1250 जीएस लेनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, ये कहना है कि ये बहुत गलत चीज़ है BMW को, मेरा साफ साफ कहना है कि आप इसको एडवेंचर बाइक बोलते हो। सैडलिंग करने के लिए आपको फुटपैड पे खड़ा ही होना पड़ेगा। BMW प्रताप मोटरराड है ना, यहाँ पे अपने को काफी अच्छा सपोर्ट मिल जाता है, इसलिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन ये जो बोलना चाह रहे हैं BMW को बोलना चाह रहे हैं मोटरराड, प्रताप मोटरराड तो बहुत अच्छा काम करता है। आज संडे है, फिर भी वो लोग आ रहे हैं, मतलब अजय भैया को कॉल कर, अजय भैया ने कहा 15 मिनट, 2-15 मिनट में पहुंच रहा हूं, तो ये प्रताप मोटरराड तो बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। अभी आपको स्प्रिंग दिखाते हैं दूसरे साइड वाली कि इसमें क्या है, ये जो स्प्रिंग है हां ये गिर गई, ये गिर गई है। समझ में ये नहीं आया कि गिरी कैसे, गिरी कैसे, मैंने क्या बोला ना, बड़े बड़े शहरों के अंदर छोटी चीजें होती रहती है, बड़ी बाइकों के अंदर छोटी छोटी चीजें गिरते रहती है। अभी BMW पे जो अजय भैया काम करते हैं वो भी आ रहे हैं, वो फुटपैक लगाएंगे यहाँ पे आके। तो सबसे एपिक मोमेंट था ना जो आरिफ भाई के साथ हुआ, वो बताओ आप। जैसे ये गिरा तो मैंने पाँव रखा, फुटपैड तो गायब, पीछे से आया दूसरा बाइक वाला, उसने कहा भाई साहब आपका फुटपैड गिर गया पीछे। और आप बताओ यार, आप ये लोगों की इतनी महंगी बाइक चला रहे हो और कोई आकर के आपको बोले कितना बुरा लगेगा आपको। मैंने बोला ना आपको बस एक ही चीज की जरूरत है, वो है अपग्रेड, आप 1250 जीएस से ले लो। ऐसा लोग है जर्मनी वाला है ना, एक रुपए एक चीज दिखाऊं, और यार ये तो खोल ही नहीं सकता है, क्या लॉक लगा है यार, एक नंबर लॉक लगा रखा है यार, और पेट भी सांस छोड़ो, व्हाट इज दिस, ये रहा रिप्लेस मिला था। हाँ वो भी बाइक वाले ने दे दिया किसी ने लाके। चलो जी लग चुका है फुटपैक, तभी इसको बिना स्प्रिंग ही लगा दिया, जो हमारा फुटपैक गिरा था उसी को अभी एडजस्ट कर दिया। छोटी सी राइड कर पाएंगे अभी तो, पहले सोचा था कि बड़ी राइड पे आ गए हैं और ट्रैफिक में फंस गए हैं। लकी I'm
ये देखो भाई ट्रैफिक जैम अभी तक यहाँ से 3 किलोमीटर बेवजह है, मतलब यहाँ पे ना रोड को डाइवर्ट किया जा सकता था, एक रूपया बना के वहीं से आराम से चलना, चिकनी मिट्टी है। वाटर क्रॉसिंग भी है। तब अपने ट्रैक्शन ऑफ नहीं किया, बहुत ही चिकनी मिट्टी है भाई। तभी आप लोगों को जितना इजी देखने को लग रहा है उतना है। तभी अपना जो दोस्त आ रहा है ना, मुझे लग नहीं रहा वो यहाँ तक आ पाएगा, हमको पहले रेस्क्यू करने जाना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। करना ही पड़ेगा आगे से रास्ता, आगे से टर्न करके लगाओ, फोटो लेंगे। तो भैया आज ऑफ रोडिंग करने के लिए ना कहीं ट्रेल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी, आज पहले बहुत ट्रैफिक हो रखा था, है आरिफ भाई? हाँ, बहुत ज्यादा ट्रैफिक। आपको मजा आया आज? मजा तो आना ही। वैसे आप हमेशा आगे ही चलते हो, गलत बात है यार। देखो आपके पास 1250 GS है, मेरे को पता है बहुत आगे भाग जाते हैं भाई। तो अभी आप लोगों को ये जो वॉल दिख रही है ना, इसके पीछे ना बहुत सारा पानी भरा हुआ। पहले मैंने सोचा कि यहाँ पे आके ना एक फोटो क्लिक कर लेते, क्योंकि वहाँ पे सनसेट होने ही वाला था और काफी अच्छी फोटोज आई है जो कि अपन लोगों ने इंस्टाग्राम पे अपलोड करी है। अभी अपना जो दोस्त आ रहा है, आपको लगता है यहाँ तक पहुँच पाएगा? गाड़ी से आ रहा है, बाइक से और वो भी बहुत भारी बाइक है, आपसे भी भारी बाइक है। अभी आ रहा है अपना दोस्त, आप लोग जानते हो उसको, भी अभी मिलवाते हैं, देखते हैं कैसे पहुँचता है, क्योंकि बहुत ही मुश्किल है अंदर पहुँचना उसके बाइक के साथ। तो ये वाली BMW देख लो, इसकी क्या हालत हो गई है, अपनी क्या हालत हो गई है देख लो भाई बाइक की। तो अभी कोई इतना ज्यादा कीचड़ नहीं लगा है, बाकी आप लोग हैं छोटी मोटी ऑफ रोडिंग हो गई है, छोटी मोटी हाँ, माइल्ड एकदम इतनी सी। अगर ये ज्यादा बारिश हो रही होती ना अरे भाई तो बहुत मजा आ जाता अपने को। मैं तो आज भीगने ही निकला था। आज हम लोग है ना कहीं और आगे जाने वाले थे, लेकिन ये फुटपैक की वजह से ना थोड़ा लेट हो गए। तो की जो अपनी बाइक है ना, जो लोग रेगुलर देखते हैं अपने वीडियोस, उन लोगों से मैं चीज पूछना चाहूंगा कि आप लोगों को मेरी बाइक के अंदर कुछ थोड़ी सी चीज डिफरेंट मॉडिफिकेशन दिख रही है, नहीं दिख रही है तो देखो और मेरे को बताओ कमेंट करके, फिर नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने क्या चीज मोड करी है। बाकी एक बात बोलनी पड़ेगी, जो भी इनकी बाइक देखता है ना सब ये सोचते हैं कि ये BMW है। अभी तो देखो अभी BMW तो लगेगी है, बताऊ कैसे लगेगी, क्योंकि इसके अंदर अपन पैनियर डालने वाले हैं, उसके बाद अपन रैप भी कर डालेंगे। अभी क्या है ना, जो अपना दोस्त आ रहा है ना यहाँ पे, जब तक आएगा तब तक शायद अंधेरा हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप इसी वीडियो के अंदर ना जो पीछे पानी है ना वो देख लो, अभी ऊपर निकलते हैं फिर वहीं से अपन दोस्त को बुला लेंगे। ये देखो भाई पानी, ऑडियो अच्छे से कैप्चर नहीं हुआ है, तो कृपया करके ना इस व्लॉग में एडजस्ट करो। नहीं भाई, नेवटा डैम में पानी देखो भाई कितना आ गया, यहाँ तक आ चुका है, मतलब थोड़ी और बारिश आ गई तो यहाँ तक आ जाएगा। वैसे मैंने जो लास्ट पानी देखा ना इसमें, वहाँ पे आगे तक देखा है, मतलब यहाँ से जितनी जगह खाली ना इसे इतनी जगह और मान लो वहाँ तक ही पानी देखा, तो जो पूरा हाईवे टच कर रहा है इस बार पूरा पानी जो नेवटा डैम में, फर्स्ट टाइम देखा है ये वाला इतना पानी, ये पूरा पानी है ना जो हाईवे ना रिंग रोड वहाँ तक अभी भरा हुआ है। मेरे को पता ही था आ रहा है। जैसा कि मैंने बोला था ना, जो हमारा दोस्त आ रहा है ना, मेरे को लगता नहीं था वो यहाँ तक लेके आएगा, क्योंकि बाइक उसकी काफी भारी है, अभी उसको रेस्क्यू करने चलते हैं।
तो जब मुझे आ रहा था ना तब मैंने आरिफ भाई को पहले ही बोल दिया था कि ये फंसेगा और फंस ही गया। देखो क्या जरूरत थी तेरे को इधर से लेने की। देखो ऐसा जब तेरे को गाड़ी के देख हमेशा ऑफ रोड ट्रेल का हमेशा से हिसाब किताब है, टायर के निशान नहीं दिखे ना वहाँ सोच समझ के जाना चाहिए। नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, पहले तो इसको कंटेंट देने के लिए जयपुर से फिर मेरे को कहता है तू मेरे का कंटेंट कहता है कि भाई ऐसे तू ना आम जाना गाड़ी फंसा दी। एक सेकंड आराम से ना हेलमेट फेंक दे मेरे को, तो क्रॉक्स भी आज ही पहन के निकल गई। मेरे को क्या शॉर्टकट ही दिखा, वो रास्ता था। अच्छा तूने मन तू क्लेरिफिकेशन के लिए कुछ तो बोला पड़ेगा। अच्छा शॉर्टकट दिख गया गलती से। अच्छा मुझको ये बता तूने मनी हाइस्ट देख ली पूरी? हाँ पूरी देख ली। तो कुछ इंस्पायर हुआ है बैंक को लेके? हाँ हुआ ना, तो ले हमारी बैंक में सोना नहीं होता ना। भाई हमको लूटना पड़ेगा, हमारे को नोट ही चाहिए, सोने वोने की लालच नहीं है तो नोट ही दिला दे भाई। तो अपनी लाइट एकदम सही परफॉर्म कर रही है और अभी तक एक लाइट जलाई नहीं है अपन ने, ये वाली। यार आरिफ भाई लाइट तो बहुत तेज काम कर रही है मेरी। चलो लग गए। बहुत ही बुरे फंस गए भाई। ठीक है 1 2 3 भाई साहब रुको दूं भाई जो जा भाई जा दो हैं जो जा दो जा। अरे पीछे लो फंस जाए लो ये पीछे लो भी फंस जाए लो एक बार उठा धरी दे जा अगलो भी भाई साहब चार जना से कौन निकल रही यार इतनी भारी बाइक होगी क्या मेरी ऐसा मिट्टी जमती जा रही है मैं तो। हाँ उठा दो कुछ नहीं जुगाड़ है पकड़ो ना पकड़ो ना उठाओ ना आड़ी से ये भाई जाते उतर जाओ। हाँ नहीं मैं उतर रही हूँ मैं खड़ी हूँ मैं तो उठाओ ले लो दो है? के? अब तो एक ही लाच है। ठीक है भाई पूरी जान लगा दी, मतलब अपनी एडवेंचर इतनी भारी हो गई है भाई। हो गया यार। ये देखो पहले क्या हो गया। सर ये अभी लोकेश भैया तो है कैमरे के पीछे, क्योंकि जो शख्स हमेशा सबका बोलता था कि आज ये फंस गए आज ये हुआ आज ये खुद फंस गए। देखो एक चीज याद आ रहा हालत ये इनकी हालत हो रही है। देखो भाई इनकी पैंट पूरी ऐसे देखो शेर या तो फंसता नहीं है और फंसता है तो फिर निकलता नहीं है। तो देखो आज एक और एक्सपीरियंस लिया है आरिफ भाई आपको मैं बताता हूँ क्या कि है ना जब भी कभी ऑफ रोड में बाइक फंसे ना उसको मौका ही नहीं देना मिट्टी को जगह पकड़ने का। जगह पकड़ने पता है क्या। हाँ ये ना मेरे दोनों टायर है ना मतलब इतना पकड़ लिया ना इतना जकड़ लिया। ये तो ऑफ रोडिंग का रूल है कि एक बार आपने थ्रोटल छोड़ा और वहीं जंप। हाँ नहीं मैं एक्चुअली क्या है ट्रैक्शन ऑफ करने लग गया था टायर को ना मिट्टी ने जकड़ लिया ऐसा भयंकर झगड़ा पांच बंदों से भी नहीं निकली है। पहली बार ऐसा गर्व फील हुआ मेरे को कि हाँ मेरी बाइक भी इतनी भारी है। एक बार के लिए नौबत आई थी कि मैं मेरा टॉप बॉक्स उतार दूं लेकिन अपन ने उतारा नहीं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना इसको यहाँ से साफ कर लेता हूँ। अभी इस वीडियो को यहीं पे करते हैं क्लोज करके देखो पहले ही गोप्रो ने धोखा दे दिया है छोटा देता है। अभी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। गोप्रो के ऑडियो की वजह से थोड़ा समय को पता है ब्लॉग खराब होगा थोड़ा एडजस्ट कर लेना। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम बाय राइड सेफ मिट्टी। हाँ ओ मिट्टी देखो।
पूरी टंकी खाली हो जाएगी मुझे लग रहा है।